यहाँ पे हम समझेंगे बेसिकली ब्रेकआउट होता क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रेकआउट रेफर्स टू व्हेन द प्राइस ऑफ एसेट्स मूव्स अबव द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, आप यहाँ पे लाइन दे सकते हैं कि जहाँ भी प्राइस आपके इस तरह से चलता है और वहाँ पे टकराता है और टकरा के ब्रेकआउट करता है तो उसे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंड मूव्स बिलो सपोर्ट एरिया तो उसे हम यहाँ पे सपोर्ट बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका यहाँ पे सपोर्ट है, आप इन्फोग्राफिक्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है, आप यहाँ पे देखिए, और कंटिन्यू रैली इसकी ऊपर की साइड अप मूव जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। यहाँ पे कोई चीज़ इसमें ये नहीं हुआ कि आपका पहले ब्रेकआउट होता है और वो वहाँ पे जाके रिवर्स होके वापस अपने जोन में आ जाता है। ये कंडीशन हमारी कहाँ पे अप्लाई होती है, आपकी फॉल्स ब्रेकआउट में। क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट इज़ व्हेन प्राइस टेम्परेरीली मूव्स अबव और बिलो अ की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बट लेटर देन रिटेस्ट बैक टू द सेम साइड एट इज स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे चार्ट देखिए, हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये प्राइस था, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, इस टाइप से यहाँ सपोर्ट था, और ये कंसोलिडेशन करके आप यहाँ पे देखेंगे कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं भाई बहुत ही बुलिश मोमेंटम आ रहा है, ये मूव हमें पकड़ना ही चाहिए, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा देंगे और मार्केट प्राइस पे ही वो चीज़ यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। लेकिन जब भी इस टाइप का मूव आता है, यहाँ पे हमें दिख रहा है पैराबॉलिक मूव है, ना कि इसमें कोई हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, ना हायर हाई फॉर्मेशन दिखाई दे रहा, ना कोई पैटर्न दिखाई दे रहा, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। लेकिन बिगिनर्स यही गलती करते हैं, वो इस फॉल्स ब्रेकआउट में बाय कर लेते हैं, एंड आप देख सकते हैं उसके बाद क्या होता है, प्राइस कंटिन्यूसली अपने मूव में आ जाता है एंड वापस उसी मूव में आके ट्रेड करने लगता है। तो इन टाइप की ट्रेड लेने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती है जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप यहां पे देखेंगे जो आपका आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा, तो स्टॉप लॉस आपका हिट होता है एंड आप ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। और कुछ लोग स्टॉप लॉस भी नहीं रखते तो उनके स्टॉप लॉस बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत सारा उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने समझ लिया कि फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है, और हमने ब्रेकआउट भी समझ लिया है। अब यहाँ पर हम बात आती है कि हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है कम्प्लीटली आप उसे नहीं हटा सकते अपने ट्रेडिंग सिस्टम से, चाहे आपका ट्रेडिंग सिस्टम कितना ही अच्छा क्यों ना हो। 100% अगर आप मान रहे हैं तो आपका 80% चांस है कि आप उसमें विन हो, लेकिन 20% लैगिंग ऑफ कि आप ट्रैप हो जाएं वो होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। इसमें आप स्टॉप लॉस भी जाएंगे, आपकी आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा भी जाएगा, बेकार भी जाएगा, लेकिन आप कम्प्लीटली इसे नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन हम इसे कम ज़रूर कर सकते हैं, वो स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप आता है हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट में, आपको चेज नहीं करना है पैराबॉलिक मूव्स। व्हाट इज़ पैराबॉलिक मूव, अब ये भी समझेंगे। जब भी मार्केट मान लीजिए इस टाइप से कंटिन्यूसली, बहुत ही इस टाइप से, आप यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स देखते हैं, मूव ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, बिना कोई सपोर्ट बनाए, इस टाइप से बिना कोई सपोर्ट बनाए डायरेक्ट मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कभी भी आप उन मूव्स को चेज ना करें। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंटिन्यूसली इस टाइप का पैराबॉलिक मूव गया, यहाँ पे हमें बहुत ही कम सपोर्ट देखने को मिल रहा है और सडनली मार्केट वहाँ से गिर जाता है, तो यही हमेशा पैराबॉलिक मूव में होता है कि आपका मार्केट सडनली। तो यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल मैं लेके आया हूँ, पीडीएफ में मैंने डाला था चार्ट एग्जांपल ऑफ पैराबॉलिक मूव, मैंने आपको ऑलरेडी एक ऊपर दिखाया, आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और कंटिन्यूसली बिना कोई सपोर्ट देने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, इस टाइप का मूव जो भी आए आपको मार्केट में दिखे, चाहे वो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपको इस टाइप का मूव, चाहे वो इंट्राडे में हो, 5 मिनट की कैंडल पर हो, डेली कैंडल पर हो, चाहे 15 मिनट की कैंडल पर हो, आपको हमेशा अवॉइड करने हैं। भले कितना फास्ट मूव हो, आप सोचेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, आपके पैसे बन जाएंगे, लेकिन 90% चांस ये होता है अगर आप इसमें घुसते हैं तो मार्केट वापस नीचे आ जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं आपका ये मार्केट ये ऊपर जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप एंट्री यहाँ पर कर देते हैं तो आपकी एंट्री यहाँ पर हुई, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे आप, जो लॉजिकल एक जेन्युइन स्टॉप लॉस एक ट्रेडर रखता है एग्जाम्पल पर, वो क्या रखेगा, बिल्कुल सपोर्ट के नीचे हमेशा स्टॉप लॉस रखा जाता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस। तो अगर आपको ब्रेक इवन चाहिए अपना रिस्क रिवॉर्ड आरआर रेशो जिसकी हम बात करते हैं, 1:1 भी मिनिमम पकड़ के चलेंगे, तो आपको जितना आपने स्टॉप लॉस पुट करा है एसएल, इतना ही आपको ऊपर के साइड टारगेट लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा
टफ हो जाता है जब मार्केट एक सडनली पैराबॉलिक मूव दे देता है मोमेंटम के साथ, वो आपको कभी एक अच्छा रिस्क रेशियो रिवॉर्ड नहीं देगा। यही चीज़ मैं हमें समझाना चाह रहा हूँ, तो आप रिस्क रेशियो रिवॉर्ड भी देखें और एक लॉजिकल स्टॉप लॉस पुट करें। यहाँ पे आपको आगे दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं आप फ्री फॉल टू द नियर स्ट्रक्चर। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करा, जहाँ से मैंने आपको बताया था मार्केट कंसोलिडेशन करके उसी सपोर्ट पे आ गया है बाद में। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, आपको रिस्क रेशियो रिवॉर्ड हुआ, आपका जो रेशो था SL का वो काफ़ी बड़ा हो गया। तो कभी भी आप इन पैराबॉलिक मूव को चेज ना करें, हमेशा आप ये देखें किस टाइप के मूव, आपको दिखा देता हूँ मैं। आप इस टाइप के मूव फाइंड करें मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो। दिस मीन्स इफ़ द मार्केट वर टू रिवर्स इट्स फाउंड टू फ्लोर सपोर्ट। अब इस टाइप के मूव में और पैराबॉलिक मूव में क्या अंतर है? जब पैराबॉलिक मूव आता है वो हमेशा इस टाइप से ऊपर जाता है, उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इस टाइप के मार्केट में आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाता है, के मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो उसे क्या सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा एक सपोर्ट बनाएगा। तो अब क्या होगा, जब भी मार्केट गिरने की कोशिश करेगा तो उसे यहाँ पे बाइंग जोन मिलेगा, तो वहाँ पे मार्केट संभल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर और नीचे जाता है तो उसे एक सपोर्ट मिलेगा, नियरेस्ट सपोर्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आपका ये मोर सस्टेनेबल मूव होता है और आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा रहेगा। यहाँ पर आपकी एंट्री है, यहाँ पे आपका SL है एंड टारगेट लेने को बहुत कुछ है, तो ये आपका सस्टेनेबल मूव रहता है। और ऐसे ही मूव पे आपको हमेशा ट्रेड लेनी चाहिए। इस पर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 क्या 1:2 भी बनेगा, 1:3 भी बनेगा। तो इस टाइप के पैटर्न फाइंड करने की आप कोशिश करें जब भी ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं, तो आप यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। अगर हम अगले स्टेप पर चलें, ट्रेड ब्रेकआउट्स विद अ बिल्डअप। ये क्या चीज़ है, आपको ट्रेड लेना है जब भी बिल्डअप होता है। बिल्डअप क्या होता है, बिल्डअप मींस द मार्केट इज कंसोलिडेशन एंड इट कैन बी आइडेंटिफाई इन द 3 वेज। बिल्डअप क्या होता है, जब मार्केट आपका एक अच्छे बुल रन या बियर रन के बाद कंसोलिडेशन साइडवेज टाइप का हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बिल्डअप। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी सीरीज ऑफ हायर लोज इन टू अ रेजिस्टेंस लुकिंग सम वॉट लाइक असेंडिंग ट्रायंगल। हायर लोज क्या होता है, आपका इस टाइप से फॉर्मेशन बने, ठीक है, और इट कैन बी लोअर हायर नीचे की साइड से बने, और इस साइड भी रेजिस्टेंस सपोर्ट से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस टाइप से ये आपका हो जाता है कंसोलिडेशन विद बिल्डअप। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्केट ऊपर जाता है, ये इसका रेजिस्टेंस है, मैंने मार्क कर रखा है, फिर नीचे आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल है रिलायंस का, ये एग्जांपल मैंने आपके लिया है करंटली साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट आ रखा है, ये क्या है, एक फॉल्स ब्रेकआउट है। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर एग्जांपल देखने को मिल रहा है और आप सडनली देखें मार्केट फिर दोबारा स्ट्रक्चर में आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा बिल्डअप्स के लिए ट्रेडिंग करें या स्ट्रक्चर देख के ट्रेडिंग करें। और आप देखें बाद में जब हमें हाई लोस की फॉर्मेशन दिखी, हमें कैंडल साइज छोटा होता हुआ मिला, स्क्वीज हो गया पैटर्न, उसके बाद देखिए कितना अच्छा यहाँ पे हमें बुल रन देखने को मिला। और करंटली रिलायंस का ही एग्जांपल है जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। तो आपने यहाँ पे नोटिस क्या करा, द रेंज ऑफ द मार्केट इज गेटिंग टाइटर, यहाँ पे हमें बिल्डअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ ट्रायंगल टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप के पैटर्न फाइंड करने की आप कोशिश करें, आप देखेंगे खुद कि आपका यहाँ पे जो रिस्क रेशियो रिवॉर्ड है, आपका विनिंग रेशियो है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया करंट रिलायंस का है, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्डअप, हेयर यू सी कंसोलिडेटिंग बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे देखिए प्राइस ये कंसोलिडेट कर रहा है, जब भी आपको कंसोलिडेशन मार्केट में दिखे आप वहाँ पे रेजिस्टेंस बनाइए, सपोर्ट बनाइए और इंतज़ार करिए कि कब वो बिल्डअप बनाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, यहाँ पे मार्केट सडनली ओपन नहीं जाता है, मार्केट बनाता है पहले एक बिल्डअप। तो इसके नीचे हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा हमारी एंट्री होगी एंड इसके नीचे हमारा बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस एंड ये आपका टारगेट, चाहे आपका 15 मिनट में हो, चाहे 15 मिनट में हो, चाहे आधा घंटे के कैंडल में हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस ब्रेक्स आफ्टर अ टाइट रेंज मेड विद बिल्डअप। यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस ने ब्रेक करा यहाँ पे एंड उसके बाद एक बिल्डअप बनाया, ठीक है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते थे और आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत ही अच्छा बनता है। और इस बिल्डअप में बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बाप बताया, आप यहाँ पे नियरेस्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं,
इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। इन फ्यूचर बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल आईडी भी है, हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप की लर्निंग वीडियोस चाहिए। अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर मुझे इस पर 50 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, 100 से ज़्यादा लाइक आ जाते हैं, तो ये पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लास्ट और तीसरा, ट्रेड ऑन पैटर्न्स। सम पैटर्न्स आर मोर सूटेड पैटर्न लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है, इन पैटर्न में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने देखा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो ये आप पार्ट वन समझ लीजिए। सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा अगर मुझे वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कौन से पैटर्न्स हैं जिस पर आपको ट्रेड लेनी चाहिए, क्या फैक्टर्स रहते हैं। तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी आप कर सकते हैं, सेम नेम डिजिटल ट्रेडर अतुल। अगर आपको कुछ क्वेरी करनी है तो आप मेरा ये पर्सनल हैंडल इंस्टाग्राम इट्स अतुल पाल 80 आप वहाँ भी क्वेरी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अगर आपको करना है। और साथ में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब के लिंक है, पेज का लिंक है एंड सब चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो जल्दी आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।